नीट विवाद पर आज भी बड़ी हलचल रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट आज अलग अलग 12 याचिकाएं हैं जिस पर सुनवाई करने वाला है। ये सभी नई याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं। पिछले याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए 8 जुलाई तक जवाब मांग चुका है। इसके अलावा वो ग्रेस मार्क जिनको दिए गए छात्रों को उनको लेकर भी ये तय कर लिया गया था कि साहब या तो वो बिना ग्रेस मार्क के अपनी मार्कशीट एक्सेप्ट करें या फिर उनके लिए 23 जून की तारीख रीटेस्ट की रखी गई थी। तो नीट को लेकर आज जो हलचल है अब उसके बारे में आपको विस्तार से यहां पर बता देते हैं। देखिए हलचल, एक तो सुप्रीम कोर्ट जहां पर सुनवाई होनी है 12 याचिकाएं लगाई गई हैं, और गौर करने वाली बात यह है कि इन 12 याचिकाओं में 8 याचिकाएं तो छात्रों की तरफ से और साथ ही जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनकी तरफ से हैं। 4 याचिकाएं एनटीए ने भी दाखिल की हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसकी तरफ से भी 4 याचिकाएं लगाई गई हैं, और एक्शन में इस वक्त केंद्र सरकार नजर आ रही है। सियासत तो आप जानते ही हैं, इस मामले पर किस तरीके से लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने पूरे मामले में जानकारी मांगी है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई, वो जो ईओयू जिसके बारे में अभी प्रकाश जानकारी दे रहे थे ना, वो कैसे अपनी जाँच आगे बढ़ा रही है, उससे रिपोर्ट मांगी गई है। तो नीट पेपर लीक का ये मामला है। छात्र संगठनों का प्रदर्शन और छात्रों से मुलाकात राहुल गांधी आज अपने आवास पर कर सकते हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार एक्टिव है, सरकार की घेराबंदी कर रही है। फिलहाल ये मामला जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से आज सुनने में आया है, उसी को लेकर अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, 12 याचिकाएं जिसमें से 8 छात्रों और कोचिंग इंस्टीट्यूट की और 4 एनटीए की, इसको लेकर डिटेल्स क्या हैं? दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा जाना है, बताइए जरा विस्तार से। सबसे पहले एनटीए की याचिकाओं की बात कर लेते हैं। जो 4 याचिकाएं दायर हुई हैं उसमें एनटीए ने जो देश के अलग अलग अदालतों में लंबित मुकदमे हैं, जो उसको जानकारी मिली है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। इससे पहले भी एनटीए ऐसी याचिका दायर कर चुकी है, 3 याचिकाएं दायर की थी। उस पर जो है कोर्ट ने जो जिन लोगों ने याचिका दायर की थी निचली अदालतों में या हाई कोर्ट्स में, उनको नोटिस जारी किया था। तो आज फिर एक बार एनटीए की उसी याचिका पर, वैसी ही याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें अलग अलग अदालतों में लंबित मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट लाने की मांग की गई है। पहले चीज ये। दूसरी चीज, वो जो याचिकाएं जो कि जो है अभ्यर्थियों ने यानी कि परीक्षार्थियों की तरफ से या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से दायर की गई हैं, ऐसी करीबन 8 से 10 याचिकाएं हैं, उन पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब मांग क्या की गई है? मांग वही की गई है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में के दौरान गड़बड़ियां सामने आई हैं, फिर चाहे वो बिहार का मामला हो या फिर गोधरा का मामला हो, उसके बाद में अब काउंसलिंग पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जो परीक्षार्थी उनका यही कहना है अगर काउंसलिंग हो जाती है तो उसके बाद में इस परीक्षा को रद्द करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अब जबकि पिछले 24 घंटों की बात की जाए या ये कहा जाए कि 12 घंटों की बात की जाए, जिस तरीके से यूजीसी नेट का मामला सामने आया है, मुमकिन है कि जो याचिकाकर्ता है वो इस मामले में यूजीसी नेट का हवाला देते हुए कहे कि देखिए यहां पर गड़बड़ी का जो है आरोप लगा था तो परीक्षा रद्द कर दी गई। तो ऐसा ही नीट के मामले में क्यों नहीं किया जाता, जबकि यूजीसी नेट में तो करीबन 9 लाख अभ्यर्थी थे, यहां तो 24 लाख बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। तो इस तरीके की दलीलें दी जा सकती हैं। देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या 8 जुलाई के लिए इन याचिकाओं को भेज देती है या फिर कुछ टिप्पणियां करती है या कोई आदेश देती है। लेकिन अगर 8 जुलाई तक ये मामला जाएगा फिर तो वो पूरे के पूरे सत्र में देरी वाला मामला, और फिर तो लगातार वो उम्मीदें जो मांग कर रहे हैं छात्र की रीटेस्ट करवा लिया जाए नीट का, वो मध्यम पड़ती हुई नजर आएंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।